भारत डीआईजी मनीष कपूरिया ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मी और आमजन भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटेंगे। शहर में बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शहर में 22 लाख से अधिक वाहन हैं, जो सुबह और शाम के समय ज्यादा रोड पर होते हैं। ऐसे में इनको कई प्लान बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ थाने पर तैनात पुलिस और आम लोग भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटेंगे। वहीं जिन ऑफिसों में 50 से अधिक लोग काम करते हैं, वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस जैसे बड़े वाहन को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि सड़कों पर वाहन की संख्या कम हो सके। सर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के आप कुछ प्लान तैयार किया, कुछ बदलाव देख रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे आप? देखिए, ये एक प्रायोरिटी है आपकी, मेरी, सभी की, शहर के नागरिकों की, और इसमें सीरियस एफर्ट की जरूरत है। मतलब कोई पीस मिल का वो नहीं है, इसमें सीरियस एफर्ट करके और हाउ बेस्ट हम इसको सॉर्ट आउट करें, वो सभी के इनपुट्स भी लगेंगे। आप लोग भी सब इसमें प्रबुद्ध हैं, आपको भी आइडियाज़ होंगे। मैं सबको कॉल करके एक बार आपसे आइडियाज़ भी शेयर करूंगा। मूल रूप से इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम करना चाहेंगे। इंदौर नगर में करीब 24 लाख वाहन हैं और ये इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। 24 लाख का भी फिगर लास्ट ईयर का है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब वाहन आते हैं तो वो शाम के और सुबह का कुछ टाइम होता है, जब रश आवर्स होते हैं तो वो सड़क पर आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी जाम्स लगते हैं। मैनुअली जितना भी पॉसिबल होगा वो हम कर रहे हैं। हमने अभी कुछ चौराहे जो जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ मैक्सिमम स्टाफ का डिप्लॉयमेंट रश आवर्स में करके उनका ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ हमें मार्क डाइवर्शन भी करने पड़ेंगे, और एक ये भी उसमें अपेक्षा रहेगी कि यदि जहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की जहाँ 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति काम करते हैं, तो उनके लिए बस का या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो जाए, उतनी वाहन सड़क पर कम आएंगे। तो ये सारे के सारे प्रयास हैं इसमें। जो इरेगुलर पार्किंग्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करेंगे। हमारी अपेक्षा ये है कि जो सड़कें हैं वो यातायात के लिए ही रहें, उस पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसको भी प्रयास करके मुक्त किया जाएगा। लेकिन जो भी प्रयास होगा ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए, वो हम करेंगे।